ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरंध्रस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णनिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो पिछले एक वर्ष से पूरे विश्व भर में कोविड महामारी से संपूर्ण जगत त्रस्त है, लोग परेशान हैं, कई परिवार उजड़ गए हैं, आर्थिक परिस्थिति विश्व की बिगड़ गई है, विशाल मात्रा में लोगों के अंदर चिंता असुरक्षा की भावनाएं बढ़ गई हैं और रोजगार के साधन कम हो गए, और ऐसे नकारात्मक परिवेश में मानसिक रूप से कुत्सित होना, म्लानी के चिन्ह मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि भारत में 20 लाख मंदिर होते हुए भी भगवान इस प्रकार की व्यवस्था क्यों करवा रहे हैं। धर्म, श्रद्धा, भक्ति, पूजा, ये सब जो व्यक्ति करे, ये तो आपत्ति से सुरक्षा और संरक्षण के लिए हम करते हैं। इतना सब करने के बाद भी जब हमें आपत्ति से सुरक्षा न मिले तो क्या हमने गलत जगह बीमा की थी क्या? तो इस प्रकार के संशय लोगों के मन में उठ सकते हैं। तो इस प्रश्न का विवेचन विश्लेषण आज हम अपने कथा सत्र में करेंगे। क्लेश का कारण क्या और क्लेश के हम 10 कारण चर्चा करेंगे। भगवान हमारे और भक्तों के जीवन में क्लेश क्यों लाते हैं, भागवत और चैतन्य चरितामृत ग्रंथों से इस पर चर्चा करेंगे। फिर दूसरा मुद्दा उठेगा कि क्लेश के प्रति अपरिपक्व प्रतिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, और फिर तीसरा, जब क्लेश जीवन में आए, आपत्ति आए, तो किस प्रकार की उचित और शिष्ट शास्त्र सम्मत प्रतिक्रिया कैसे करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम शास्त्रों में दो श्रेणी पर सभी जीवों के लिए उपदेश दिए गए हैं। एक है व्यावहारिक सत्ता और दूसरे परमार्थिक सत्ता। हम आत्मा हैं, शरीर के अंदर सन्निहित हैं, लेकिन शारीरिक आवश्यकताएं हैं, सामाजिक आवश्यकताएं हैं, आर्थिक आवश्यकताएं हैं, मानसिक, भावनात्मक और संबंधात्मक आवश्यकताएं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन बातों को स्वीकार करते हुए, हाँ यहां पर यहां रखा है आपके लिए, इन बातों को मन में रखते हुए शास्त्र सर्वप्रथम व्यावहारिक सत्ता के ऊपर चर्चा करते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन के जो भौतिक आवश्यकताएं हो, उन आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार हो, और दूसरी
जो हम सभी की आत्मा है उसकी सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता क्या है और उस आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाए। आ जाइए सामने आ जाइए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि भगवद गीता में जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने समक्ष विशाल सेना सैन्य समूह को देखकर सर्वप्रथम तो दुर्योधन और दुशासन को देख के अर्जुन के क्षत्रिय रक्त में बड़ा उत्साह और जोश प्रकट हो जाता है और अर्जुन कहने लगता है कि कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्रे, में इस युद्ध भूमि में मुझ जैसे योद्धा के साथ युद्ध करने का दुस्साहस किन मूर्खों ने किया। अर्जुन बड़े जोश में है, लेकिन अगले ही क्षण कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म और द्रोण के रथ के समक्ष जब प्रकट करते हैं तो अर्जुन देखते हैं कि अरे मेरे सामने मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं। तो पितामह की तो पितामह के प्रति प्रेम व्यक्त करना चाहिए, गुरुजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। तो अर्जुन बौखला गए, अर्जुन का मन घूमने लगा, उसके सारे विचार विपरीत हो गए और उस समय अर्जुन भ्रमित होकर उनके पग डगमगाने लगे, अर्जुन के बलिष्ठ भुजाओं से और उनके हस्त से गांडीव छूटकर नीचे गिरने लगा और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं वे पतुश्च शरीर में रोम हर्षश्च जायते, गांडीव श्रमशते हस्ता त्वक चैव परिदह्यते। हे कृष्ण, द्रोणाचार्य ने मुझे निपुणता सिखाई लेकिन मानसिक संतुलन नहीं सिखाया, इसीलिए हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हुए भी मैं अपने बाहरी शत्रुओं पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त करने के लिए योग्य हूं, लेकिन मेरी आंतरिक शत्रु जो कि संशय असुरक्षा की भावना विभिन्न प्रकार के द्वंद्व, इन पर आक्रमण करके इन पर विजय प्राप्त करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है और इसलिए इस संशयग्रस्त अवस्था में हर प्रकार का जीवन पर्यंत ज्ञान प्राप्त करके हर प्रकार के युद्ध क्षेत्र में युद्ध कौशल का प्रदर्शन करके विजय प्राप्त करने के बाद भी आज मैं आपके चरणों के सामने नतमस्तक होता हूं, क्योंकि इस वर्तमान परिस्थिति में जो मेरा मन शंकाओं के सागर से अभिभूत हो उठा है और मैं ऐसे शंकाओं के सागर में निमग्न हो रहा हूं, चारों दिशाओं में कोई आशा की किरण मुझे नहीं दिखती, इसलिए हे कृष्ण, मैं दुर्योधन दुशासन कर्ण द्रोणाचार्य इत्यादि के अस्त्रों से परास्त नहीं हुआ, मैं अपने शंकाओं से पराजित होके आशाहीन हो गया। इसलिए अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अस्त्रहीन नहीं हुए, आशाहीन हुए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे आशाहीन अर्जुन को भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को प्रस्तुत करके आशायुक्त किया, क्योंकि आशा ही वो ईंधन है जिसके आधार पर हम अपने विभिन्न प्रकार के कलाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने विभिन्न शक्तियों को सामर्थ्य बना सकते हैं। अन्यथा कोटि कोटि भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां सामर्थ्य रखते हुए भी व्यक्ति आशाहीन होने पर आशा के ईंधन के बिना अपने यान को उड़ा नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा बोइंग 747 खड़ा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा फाइटर एयरप्लेन क्यों ना खड़ा हो, अगर उसके अंदर ईंधन न हो, तेल न हो, तो वो क्या उड़ान भरेगा और वो क्या ऊंचाइयों पे पहुंचेगा और क्या अपने शत्रुओं का दमन करेगा। तो इसलिए ये आशा ही सबसे बड़ी ईंधन है और इस आशा का सबसे श्रेष्ठ शक्तिशाली और असीमित स्रोत है ये भगवत ज्ञान, वैदिक विद्या
वैदिक शास्त्रों के अंदर सन्निहित ज्ञान। तो इसलिए भारत पूरे विश्व में आशा का वितरण करने के लिए बहुत बड़ा नेता बन सकता है, क्योंकि भारत के अंदर असीमित मात्रा में इस वैदिक ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव नहीं प्रपश्यामि ममा पुनर्द्यात यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम। हे कृष्ण, गांडीव के केवल टंकार करने मात्र से विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े अतिरथी वो हृदय में कंपित होकर भस्त हो जाते थे, लेकिन आज मेरी ऐसी दुर्व्यवस्था हो गई कि वे पथुश्च शरीरे में, कि अब मेरे सारे बलिष्ठ अंग को मैं स्थिर नहीं कर पा रहा हूं, सब कंपित हो रहे हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद, मैंने अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करके, अपने समस्त शक्तियों का प्रयोग करके भी मैं देख नहीं पा रहा कि समस्या का समाधान कैसे हो। यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, ये शोक रूपी सूर्य वो वास्तव में उच्छोषणम इंद्रियाणाम मेरे समस्त इंद्रियों के सागर तुल्य शक्ति को पूरी तरह सुखा डालिए। अवाप्य भूमास असपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाति। तो इसलिए हर व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति भय तमोगुण से प्रेरित होता है, कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षा रजोगुण से प्रेरित होता है, कोई व्यक्ति कर्तव्य परायणता या सत्वगुण से प्रेरित होता है, कोई व्यक्ति निस्वार्थ सेवा भाव या प्रेम से प्रेरित होता है। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या थी कि हर प्रकार के प्रेरणाओं के विषय में बौद्धिक ज्ञान रखते हुए भी अर्जुन के हृदय में इन प्रेरणाओं का एक बिंदु भी टपक नहीं रहा था, क्योंकि ये प्रेरणा बुद्धि से हृदय के अंदर नहीं प्रकट होता, ये हमारे कर्म रंध्रों के अंदर से हृदय के अंदर प्रविष्ट होता। इसलिए अर्जुन अपने निस्सहाय अबला अवस्था में कृष्ण के सामने हाथ उठाकर कहते हैं, इस परिस्थिति में मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाधनुर्धर अर्जुन को युद्ध कौशल में ज्ञान नहीं दिया। अर्जुन की समस्या क्या थी कि वो युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में योद्धाओं के बीच विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए योद्धाओं को देखकर अर्जुन अब युद्ध के विषय में पलायन करने का विचार कर रहा है। तो सामान्य व्यक्ति की प्रथम प्रतिक्रिया होगी कि वो उस व्यक्ति के युद्ध कौशल के विषय में कुछ हस्तक्षेप करे और युद्ध का ज्ञान दे, अस्त्र शस्त्रों को किस प्रकार उचित प्रकार से प्रयोग किया जाए उसके विषय में बताए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के संबंध में अर्जुन से रंच मात्र चर्चा नहीं की, एक शब्द भी नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रथम शब्द अर्जुन के लिए क्या था? अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन, आप शोक कर रहे हो, आप शोकाकुल हो गए हो, आप भीष्म और द्रोण के आगामी मृत्यु को देखकर आप पीड़ित हो गए हो, लेकिन आप जिस मृत्यु की चर्चा कर रहे हो, जिस मृत्यु के विषय में आप भयभीत हुए हो, वह मृत्यु क्या है उसको पहले समझो। वो केवल वही आत्मा उस शरीर को छोड़कर अन्य किसी शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है। देहिनोस्मि यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुख्यति। हे अर्जुन, आपके जैसे योद्धाओं को इस प्रकार शोक करना शोभा नहीं देता। आप समझो कि ये आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। आज भी आप शमशान भूमि में जाओ तो शमशान भूमि में आपको भगवद गीता के सारे श्लोक
बड़े बड़े अक्षरों में लिखे गए दृष्टिगोचर होंगे। कम से कम बहुत सारे शमशान भूमि में जहां मैं गया हूं, मैंने तो देखा है। विशेष रूप से कभी 15वां अध्याय या 9वां अध्याय, 12वां अध्याय ये लोकप्रिय है, लेकिन भगवान ने इस जगत में मंदिरों का निर्माण इसलिए किया जिससे कि हम गीता के ज्ञान को सुनने के लिए शमशान भूमि तक प्रतीक्षा न करें और उसके पहले ही अपने मन और भागते हुए इंद्रियों का शमन करके शमशान भूमि की यात्रा के लिए तैयारी करें। तो इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही अर्जुन को देह और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान देना आरंभ किया, अर्जुन कुछ परेशान से हो गए और समझने नहीं लगे कि ये क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं भागना चाहता हूं, मैं युद्ध के विषय में उनके सामने प्रस्ताव रखा हूं और कृष्ण कह रहे हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इन्होंने मेरे समस्याओं को एक पूरा अध्याय में जो मैंने वर्णन किया सुना कि नहीं? तो ऐसा लग रहा था कि अर्जुन को कि कृष्ण ने उनकी समस्या को समझा नहीं। अगर कोई कहो, किसी को आप कहो मैं बहुत भूखा हूं, बहुत भूख लगी है, बहुत पीड़ा हो रही है, और वो कहे गीता पढ़ें क्या, तो आपके मन में संशय होगा कि सुना कि नहीं। तो अर्जुन कुछ कह रहे हैं और कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और फिर बिना रुके, बिना अर्जुन को पूछे, बिना किसी अर्जुन के साथ वार्तालाप करते हुए कृष्ण ने अगले 20 श्लोक किस प्रकार आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र के द्वारा स्पर्शी भूत नहीं हो सकती, सब कुछ वर्णन कर दिया। और फिर श्री कृष्ण बोलते बोलते अर्जुन के मुख को देख रहे थे और अर्जुन के मुख पर चिंता के बढ़ते हुए चिन्ह को देखकर कृष्ण भी समझ गए कि लगता है रॉन्ग नंबर लग रहा है। कह तो रहा हूं मैं आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा क्या है, लेकिन अर्जुन के शक्तिशाली मस्तक के ऊपर रखे हुए अजेय मुकुट के ऊपर से वो ज्ञान जा रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा जो कि अर्जुन के भीतर प्रवेश करे। तब 31वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि धर्म्याधि युद्ध्यात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तब भगवान श्री कृष्ण ये पारमार्थिक सत्ता से उतरकर अर्जुन के लिए व्यावहारिक सत्ता पर चर्चा करने लगे। तो पारमार्थिक सत्ता अर्थात स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म और व्यावहारिक सत्ता अर्थात प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म। तब फिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे चलो भाई अर्जुन आप क्षत्रिय हो, चलो आत्मा के दृष्टिकोण से भले आपके अंदर कुछ प्रेरणा आए ना आए, चलो हम क्षत्रियता के दृष्टिकोण से कहते हैं कि भाई ऐसे क्षत्रिय बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिनको बिना निमंत्रण के, बिना याचना किए हर प्रकार से युद्ध करने के अलग अलग व्यवस्थाएं अवसर उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा क्षत्रिय युद्ध करके जब या तो विजयी हो या पराजित हो, उसे स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावकम सुखिन क्षत्रिय पार्थ। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने व्यावहारिक स्तर पर फिर ज्ञान दिया। तो इसलिए शास्त्रों में निरंतर पारमार्थिक स्तर पर और व्यावहारिक स्तर पर ज्ञान लगातार दिया जाता है और शास्त्रों में भी कई शास्त्र व्यावहारिक स्तर पर अधिक हैं और कुछ शास्त्र पारमार्थिक स्तर पर अधिक हैं। जैसे महाभारत में व्यावहारिक ज्ञान अधिक है, पारमार्थिक ज्ञान के परिवेश में
पारमार्थिक ज्ञान पार्श्वभूमि में है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान अग्रणी है। श्रीमद् भागवतम में पारमार्थिक ज्ञान आगे है और फिर बीच बीच में व्यावहारिक ज्ञान दिया गया है। जैसे भीष्म पितामह प्रथम अध्याय में युधिष्ठिर महाराज को पारमार्थिक ज्ञान देते हैं, फिर व्यावहारिक ज्ञान भी देते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म इत्यादि धर्मों का पालन आपको करना है। उसी प्रकार यहां पर जब आपातकालीन परिस्थिति में हम अपने आप को पा रहे हैं, कलयुग में 2021 में एक वर्ष बीत गया, पिछले मार्च में जब लॉकडाउन आरंभ हुआ तो लोगों के मन में आशा की किरण थी कि भाई कुछ महीनों की बात है, मौसम बदलता है उसी प्रकार परिस्थिति बदलेगी, मास्क उतरेगा, भगवान अपनी योजनाओं का नकाब उतारेंगे। लेकिन एक वर्ष बीत चुका, उतरते उतरते मास्क फिर उठ गया और फिर भगवान की योजना क्या है वो कुछ समझ में नहीं आ रही, तो लोगों के मन में चिंता बढ़ती चली जा रही है कि ये कब तक। कुछ निराशावादी कह रहे हैं जीवन भर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कुछ कह रहे नहीं नहीं एक महीने में सब सलट जाएगा। तो इस प्रकार के कई विपरीत विरोधाभास और विभिन्न विचारों के बीच में किन मतों को हम सुने, किस प्रकार आशाओं को लेकर चले। यूरोप में इटली और स्पेन में सर्वे लिया गया, 85% माता पिता ने देखा कि उनके बच्चों के अंदर आतुरता बढ़ गई है, चिंता बढ़ गई है, किसी कार्य पर ध्यान देने की क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है, परेशानी बढ़ गई है। और जितने लोग महामारी के साथ जुटे हुए हैं, लगभग 50% हेल्थ केयर वर्कर्स, उनके अंदर स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ गया है। घरेलू महामारी लगभग 25% से बढ़ गया है। घर के अंदर लोग न केवल बंद हैं, लेकिन इस परेशानी के कारण हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो ये बात बड़ा स्पष्ट है कि ऐसे परिस्थिति में संपूर्ण मानव समाज को आज बड़े गहरे दृष्टिकोण से मनन करना आवश्यक है कि इस परिस्थिति के साथ किस तरह झेलें और इसको समझें, और शास्त्र के दृष्टिकोण से समझें कि ये क्लेश हमारे जीवन में क्यों आते हैं। तो इसके 10 कारण हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, ये भगवान का डिजाइन है और ब्रह्मा जी इस डिजाइन को पूर्ण करते हैं। क्षुत्रित्रिधातुभिर् इमा मुहुरर्द्यमाना शीतोष्ण वात वर्षैर इतरेतरा च कामाग्निना अच्युतरुषा चत दुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमसी दते मे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभो, आपके दर्शन तो बड़ा मुझे आनंददायी लगा, लेकिन उसके पश्चात आपने मुझे सेवा दी और उस सेवा के अंतर्गत आपने मुझे आदेश किया कि भौतिक जगत का निर्माण करो और इस भौतिक जगत के अंदर विभिन्न प्रकार के कष्ट डिजाइन करके डालो। क्यों? क्षुत त्रित त्रिधातु बिर इमा, क्योंकि वो जीव भगवान का अंश है। भगवत धाम गोलोक धाम में जीव निरंतर भगवान से प्रश्न पूछता है कि मैं आपकी कैसी सेवा करूं। वही जीव के मन में जब ये विचार उत्पन्न होता है, जब इस प्रश्न की गूंज उठती है कि मैं कैसे अपनी सेवा करूं, मैं कैसे स्वयं स्वामी बनूं, मैं कैसे भोक्ता बनूं, मैं कैसे नियंत्रक बनूं, इस प्रश्न के गूंज उठने पर भगवान उस जीव के लिए
अपना ही ब्रह्मांड तैयार करते हैं। हर जीव के लिए एक भिन्न भिन्न ब्रह्मांड तैयार किया जाए तो फिर बहुत रियल एस्टेट चला जाएगा। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं कि हर जीव के लिए सूक्ष्म रूप से उसकी एक दुनिया तैयार करते हैं और एक सॉफ्टवेयर इंसर्ट करते हैं। उसको क्या कहते हैं? मिथ्या अभिमान। उस मिथ्या अभिमान के अंतर्गत हर जीव को इस जगत में लगने लगता है कि मैं अपने कार्य क्षेत्र का अव्वल स्वामी हूं, मैं इस जगत का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, संपूर्ण जगत मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए चल रही है, हर व्यक्ति मेरी सेवा में है, हर परिस्थिति मेरे महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए है, हर वस्तु मेरे भोग के लिए है। तो इस प्रकार का गलत दृष्टिकोण का कैटरैक्ट उसके नेत्रों पर चढ़ जाता है। तो इसलिए भगवान इस जगत में उसके भोग के साधन तो तैयार करते हैं, लेकिन साथ साथ भगवान इस कैटरैक्ट को उतारने के लिए सर्जरी की व्यवस्था भी करते हैं। और जब सर्जरी होती है तो थोड़ा चुभता है, और इसलिए विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएं भगवान करते हैं। तो उसके उसका वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। क्षुत अर्थात भूख, त्रित अर्थात प्यास, त्रिधातुभिर इमा, ये शरीर जो कभी संतुलन में नहीं रहता, हमेशा पीड़ा में रहता है, चाहे कितनी आयु क्यों न हो जाए, बालपन में, यौवन पे, वृद्धावस्था में, निरंतर सुई के नोक पर नृत्य करने की भांति डगमगाता हुआ यह शिथिल देह है। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम शत संधि जर्जरम किमौषधम पृच्छसि मूढ़ मुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम। महाराज कुलशेखर इसलिए कहते हैं, इदम शरीरम, ये शरीर कितना पालो, कितना पोसो, कितना लालन पालन करो, कितनी सुरक्षा दो, कितना पौष्टिक आहार दो, हर प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था करो, लेकिन परिणाम पेशलम, निरंतर परिवर्तनशील रहेगा, पतत्यवश्यम शत संधि जर्जरम, कब कौन सी और कौन सी बीमारी, कौन सा रोग इस पर हावी होगा और कैसे ये नष्ट होगा, ये कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए त्रिधातु वीर शीत उष्ण वात वर्षैर, शीत काल में परेशानी, गर्मी में परेशानी, तो हर मौसम में जब मौसम का बदलाव होता है तब लगता है कि कितना बढ़िया लग रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, और वेदर चेंज में ही सबसे ज्यादा बीमारियां होती, और जब पूरी तरह चेंज हो जाता है तो फिर या तो गर्मी के कारण, सर्दी के कारण व्यक्ति परेशान। काम अग्नि ना, जब बाहर से परेशानी कब कम हो भी जाए तो फिर काम अग्नि ना, अंदर से काम वासना की अग्नि भड़कने लगती है, और जब काम को पूर्ण करने जाओ अच्युत रुषा, तब क्रोध प्रकट होता है। संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते में, तो प्रभो चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में भागूं, कितना भी बिजनेस क्लास का टिकट कराकर कहीं पर भी जाकर सोचूं कि यहां पर इस स्थान पर जाकर हम पूरी तरह मग्न हो जाएंगे, लेकिन चाहे विश्व के ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों न जाओ, हम चिंताओं से शारीरिक रूप से नहीं भाग सकते। दुर्वासा मुनि इतिहास के प्रथम व्यक्ति होंगे जो वैकुंठ में प्रवेश करके चिंताग्रस्त थे, वैकुंठ में जाकर भी वो परेशान थे। अजानता तो परमानुभावम कृतम मयागम भवत प्रियाणाम, प्रभो आपके भक्त के प्रति मैंने अपराध किया और इसलिए मैं चिंताग्रस्त हूं।
तो हम परिस्थितियों से भागकर चिंता मुक्त नहीं हो सकते। हम परिवेश परिवर्तित करके चिंता मुक्त नहीं हो सकते। और ये हमारे वैदिक सभ्यता और संस्कृति और वैदिक ज्ञान की सबसे बड़ी देन है। वैदिक शिक्षा और आधुनिक भौतिक शिक्षा में सबसे बड़ा अंतर यही है कि समस्या का समाधान किस प्रकार हो, समस्या के समाधान की शैली में अंतर है। समस्या का समाधान सब चाहते हैं। आधुनिक शिक्षा कहती है कि समस्या का समाधान करने के लिए परिस्थिति को बदलो, परिवेश को परिवर्तित करो और तब सुधार होगा। वैदिक ज्ञान कहता है कि परिस्थिति को चाहे कितना भी बदलो, परिवेश को चाहे कितना भी परिवर्तित करो, आपका इनके ऊपर नियंत्रण सीमित है, इसलिए आप अपनी चेतना को बदलो, चेतना को परिवर्तित करो। तो इसलिए क्लेश भूरी अल्प साराणी कर्माणी विफलानी वा भागवत वर्णन करता है कि बहुत क्लेश जब आता है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं, क्लेश और बढ़ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब मृद भक्षण लीला कर रहे थे तो वो मिट्टी खाए। भगवान ने मिट्टी क्यों खाया? कुछ आचार्यगण कहते हैं भगवान ने पृथ्वी देवी को वचन दिया था कि मैं आपको जो है संरक्षण दूंगा, इसलिए भगवान पृथ्वी का एक अंश को लेकर बोले कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम आपकी चिंता को समझ रहे हैं। कुछ आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ने पहले पूतना का विषपान किया था, स्तनपान करते हुए विषपान किया था और विष को जो संस्कृत में पृथ्वी को भी विष कहते हैं, तो कहते हैं विष ही विष को काटता है, इसलिए भगवान उस विष के परिणाम से मुक्त होने के लिए थोड़ा और विष ले लिए, मृद को खा गए। फिर भगवान कहते हैं कि मैं आया हूं विनाशाय च दुष्कृतम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, तो अगर इन दुष्कृतियों को समाप्त करना है तो फिर मुझे कुछ अपने शरीर के अंदर बल पैदा करना है और उस बल पैदा करने के लिए मैं कुछ मृद का भक्षण करता हूं। और इस प्रकार कई आचार्यगण कई कारण बताते रहते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने मृद भक्षण किया और उस मृद भक्षण करते हुए देखकर यशोदा माई परेशान हो गई और भगवान श्री कृष्ण के मुख का जब दर्शन करती तो भगवान श्री कृष्ण के मुख के भीतर समस्त ब्रह्मांड का वो दर्शन करती है। क्योंकि एक और कारण था, भगवान ने मृद भक्षण किया, वो समस्त जीवों को ब्रज रज का आस्वादन कराना चाहते थे। बोले एक एक करके क्यों, एक साथ सभी को इसका आस्वादन करा देते। तब जब यशोदा माई कृष्ण के मुख के भीतर ब्रह्मांड को देखती है तो परेशान हो जाती है, उनका माथा घूम जाता है। और तब वो एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक कहती है और क्या कहती है कि अथो यतावन्न वितर्क गोचरं चेतो मनः कर्म वचो विरंजसा यदाश्रयं येन यत प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। यशोदा माई कहती है कि मैं बारंबार अपने लाला कृष्ण को हर प्रकार के आपातकालीन परिस्थिति से संरक्षण देने का प्रयत्न करती जा रही हूं, लेकिन मेरे भरपूर निरंतर मैं इसको क्लेश से बचा नहीं पा रही। अथो यथावन न वितर्क गोचरम, अब इन क्लेशों का मूल कारण क्या है मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भी समझ नहीं पा रही। न वितर्क गोचरम, चेतन मैं अपनी चेतना से इसका हल नहीं ढूंढ पा रही। मन, मैं मन के प्रभाव से इसका हल नहीं ढूंढ पा रही। कर्म वचो भी रंजसा, मैं अपने प्रयासों से, मैं अपनी वाणी से
इन समस्याओं का मूल कारण क्या है समझ नहीं पा रही। इसलिए इस निस्सहाय परिस्थिति में मैंने ये संकल्प किया है, यदाश्रम ये न यतत प्रतीयते सुदुर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं यशोदा माई के मनोभाव कि कृष्ण बारंबार जो इस समस्याग्रस्त परिस्थिति में पड़ रहे हैं, दिस इज बियॉन्ड द कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन स्पेकुलेशन माइंड एक्टिविटीज वर्ड्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम अपने मानसिक क्रियाओं से विभिन्न प्रकार के विचारों से नहीं समझ पाते, एंड वेन द प्रॉब्लम्स आर बियॉन्ड कंटेम्पलेशन स्पेकुलेशन एंड मेडिटेशन, कि कितना भी आप संकल्प करके प्रयास करो समझने का, विचार करो, मनन करो, जब आपके मननशीलता और विचार शक्ति विवेक शक्ति की ये समस्या परे है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां पर बड़ा सुंदर कि when we are beset by a problem for which we can find no reason, जब हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या आए जिसका हम कारण नहीं ढूंढ पाए, तो प्रभुपाद कहते हैं there is no alternative than to surrender to the supreme personality of Godhead and offer obeisances। तब हमारे पास एक ही चारा है कि हम भगवान के सामने आत्मसमर्पण हो जाएं और उनको प्रणाम करें। फिर प्रभुपाद कहते हैं देन आवर पोजिशन इज सिक्योर, तब हमारे जीवन में वास्तविक सुरक्षा है। दिस वॉज द मीन्स एडॉप्टेड बाई यशोदा माई, वॉट एवर हैपन्स द ओरिजिनल कॉज इज कृष्णा सर्व कारण कारणम। तो इसलिए जब हमारे तात्कालिक कारण को हम नहीं समझ पाए, तब हम अपने मूल कारण भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। When the immediate cause cannot be ascertained, let us offer obeisances to the lotus feet of the ultimate cause. तो इसलिए प्रभुपाद यहां लिखते हैं, When devotee cannot ascertain cause of suffering, he concludes that this is the mool cause, the root cause, Krishna. तो इसलिए यहां पर जो तात्पर्य में यशोदा माई के विषय में प्रभुपाद जी लिखते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जीवन में कई समस्याएं होंगी जो अचिंत्य खलुए भावा नतांस तर्केण योजिए। समस्या आई है, हाँ, इसका कारण समझ पा रहे हो, नहीं, तो क्या निष्कर्ष निकालो, ये अचिंत्य है। तो फिर इसका कारण कौन है, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, ओ सर्व कारण कारण, तो फिर उसको कैसे हम झेलें, वो फिर उसका हम आगे विवेचन देखेंगे। इसलिए यहां पर यह वर्णन आ रहा है कि किस प्रकार हमें इसके साथ झेलना आवश्यक है। तो प्रभुपाद यहां लिखते हैं देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूमेंटेशन इमेजिनेशन एक्सप्लेनेशन एंड कंटेम्पलेशन। Some problems are beyond argumentation. Some problems we will experience are beyond imagination. Some problems we will experience will be beyond explanation. Some problems will be beyond our contemplation. ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इसका अनुभव नहीं किया। बिना जो तर्क से परे, जो हमारे विचार शक्ति से परे, जो हमारे विवेक शक्ति से परे और जो हमारे समझाने की शक्ति से परे, कई समस्याएं आएंगी। और इसलिए भक्त इसका किस प्रकार जो प्रतिक्रिया करता है ये बड़ा समझना आवश्यक है। तो ये दूसरा जो पॉइंट है क्लेश के विषय में, पहला ये था कि भगवान स्वयं इसको डिजाइन करते हैं, भगवान स्वयं इसका निर्माण करते हैं
और दूसरा ये कि भगवान इसके कारणों के कारण हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा डिजाइन करते हैं, लेकिन मूल कारण भगवान मूल कारण है, इज द अल्टीमेट कॉज। न वयम क्लेश बीजामी यतस्यु पुरुषर्षभ पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। प्रथम स्कंद में जब धर्म को, धर्म और पृथ्वी के बीच जो चर्चा को देखते हैं महाराज परीक्षित, और समीपवर्ती हाथ में खड़ग लिए कली महाराज को देखते हैं, तो परीक्षित महाराज कली को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस समय जब धर्म को बारंबार पूछते हैं, जो कि बैल के रूप में थे, कि आपको पीड़ा किसने दी, तब वो कहते हैं न वयम क्लेश बीजानी, हमारे क्लेश का मूल कारण कौन है हम नहीं देख पा रहे। वी डोंट सी द मिस्चीफ मॉन्गर। पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। तो इसलिए जो मूल कारण है उसको दोष दे के कुछ लाभ नहीं। केचित विकल्प वसना आहुर आत्मान आत्मना द्वैवम अन्य अपरे काम स्वभावम अपरे। तो इसलिए अपरिपक्व बुद्धिहीन व्यक्ति चार प्रकार से दोष देता है। कभी वो सोचता है कि क्या आत्मा, क्या दोष मेरे ऊपर है। दूसरा दैव, क्या दोष का इस समस्या का मूल कारण दैव है। तीसरा क्या हमारा कर्म है। चौथा स्वभावम, प्रकृति है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो फिलॉसफीज हैं, तत्व ज्ञान हैं, हमारे मूल कारण के विषय में विवेचन करके भी उसके मूल तक पहुंच नहीं पाते हैं। और जब तक मूल तक नहीं पहुंच सकते, उसका उन्मूलन नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर दूसरा कारण क्लेश का बता रहे हैं कि हां, भले ब्रह्मा जी ने अपने डिजाइन के माध्यम से जीवों को पीड़ा देने और उनके मन में इस क्रांति की भावना को दूर कर, उनके मन में भोक्ता के इस अभिमान को नष्ट कर, मिथ्या अभिमान को समाप्त कर, उनके भीतर प्रश्न भेद लाने के लिए सब किया हो कि मैं भोक्ता हूं क्या, मेरे भोग के लिए क्या है, मेरे भोग के लिए कौन व्यक्ति उपस्थित है, इस प्रश्न का दमन कर वो जीव सोचने लगे मैं कृष्ण की सेवा कैसे करूं। ये चिंतन उसके मन में प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी क्लेश सन्निहित करते हैं इस जगत में। लेकिन ब्रह्मा जी किसके आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं, कृष्ण के आदेश के अनुसार। तो इसलिए कृष्ण ही इन सभी क्लेशों के मूल कारण हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण तीसरा कारण कह रहे हैं कि भगवान ने इस जगत को क्लेश से युक्त सर्टिफाई कर दिया है। दुखालयम अशाश्वतम, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज सर्टिफाइड बाय कृष्ण, एडवर्टाइज्ड बाय कृष्ण, वॉर्न्ड बाय कृष्ण। तो कोई ये नहीं कह सकता कि इस भौतिक जगत के विषय में भगवान ने चेतावनी नहीं दी। तो न केवल भगवान श्री कृष्ण ने कूट कूट कर इस जगत में क्लेश सन्निहित किया है, लेकिन इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने इस क्लेश के विषय में चेतावनी भी दी। और उस चेतावनी के माध्यम से भगवान हमारी चेतना को उनके चरणों में आविष्ट करने की इच्छा करते हैं। तो इसलिए ये तीसरा तत्व है कि भगवान ने चेतावनी दी। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान ने चेतावनी नहीं दी। दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत दुख से भरा हुआ है, भगवान ने इस बात का वर्णन किया। चौथा, भगवान ने इस जगत में सुख और दुख की श्रृंखलाओं को इस प्रकार निर्माण किया कि बिना याचना किए, बिना कल्पना किए, बिना योजना बनाए, न केवल आपके जीवन में तात्कालिक दुख प्रकट होगा, सुख भी प्रकट होगा।
कई बार बिना योजना बनाए, बिना संकल्प किए, बिना विचार किए, बिना प्रार्थना किए, बिना इस प्रकार का स्वप्न देखे, कई बार सौभाग्य का उदय हो जाता है, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है, या फिर सीमा पार महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है। और कोई आके प्रश्न पूछे, अरे ये कैसे हो गया, इसका उत्तर अपने पास भी नहीं होता, लेकिन मनी मन अभिमान से युक्त हम कहते हैं, मैंने बहुत बड़ा काम किया, क्या तीर मारा, क्या पर्वत पे झंडा गाड़ा, तो फिर हम श्रेय तो ले लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय चूकते नहीं। तो इसलिए भागवत में यह वर्णन किया गया है, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते। तो चाहे कितना भी व्यक्ति प्रयत्न करे, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, ऐसा वस्तु को प्रयत्न करना चाहिए प्राप्त करने के लिए जो इस 14 लोकों में न प्राप्त हो। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, तो कोविद कौन है, वो ऐसा व्यक्ति ऐसा तत्व को ढूंढता है, कालेन सर्वत्र गभीर रमसा, जो काल के प्रभाव से इस जगत में प्रवाहित हो रहा है, जो कि सुख और दुख, जो इंद्रिय विषय भोग, शुद्ध परितो यथादीन सारमेयम ग्रहम ग्रहम चरण विन्दंति यद्दृष्टम दंडम ओदनम देवा। जैसे घूमता हुआ कुत्ता, कभी उसको भोजन मिल जाता है, कभी डंडा मिलता है बिना याचना किए, उसी प्रकार इस 14 लोकों में जीव घूमता हुआ अपने कर्मानुसार कभी सुख दुख, जिस समय जो दुख और सुख की घड़ी आनी है, जो विषय हमारे सामने आने हैं, वो भगवान अपने आप प्रकट करते हैं। तो मनुष्य जीवन इन इंद्रिय विषयों को बटोरने के लिए नहीं, ये मनुष्य जीवन अपने मन को इन विषयाविष्ट चित्त से रिक्त करने, मुक्त करने के लिए है, और फिर भगवान श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करने के लिए। हिरण्यकशिपु जैसे असुर भी कहते हैं, बड़ा फिलॉसफी, पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम गृहे स्थितम तद विहतम विनश्यति। जब हिरण्याक्ष का मृत्यु होने के पश्चात उनकी पत्नी और अपनी माता को ये कहते हैं, पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम, कभी कभी चलते चलते हम अपना बटुआ कहीं गिर जाता है, अपनी संपत्ति को हम कहीं भूल जाते हैं। एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे भगवत गीता का पूरा कार्टन भूल गए ट्रेन में, पुलिस स्टेशन से फोन आया, बोले क्या हो गया, क्या आपका कुछ रखा हुआ है, क्या है, बम है क्या। भक्तों को बुलाया, खोला, अंदर भगवत गीता मिला, है बम अलग प्रकार का। तो कभी अपन सोचते नहीं कि कहां पे क्या होगा, लेकिन हजारों लोग चल रहे हैं, लेकिन आपकी गिरी हुई संपत्ति वहीं पे रहती है। पतिच्युतम तिष्ठति, वहीं पर पड़ा हुआ है, किसने संरक्षण दिया, दिष्ट रक्षितम अर्थात भाग्य ने, दैव ने उसकी रक्षा की। गृहे स्थितम तद विहतम विनश्यति, लेकिन कभी घर पर रहते हुए भी वो वस्तु का नाश हो जाए, घर के अंदर घुसकर तिजोरी से कोई अनमोल रत्न चुरा कर जाए। तो इसलिए ये सब कहना बड़ा कठिन है, इसको यहां पर कहते हैं कि सुख और दुख, जिस प्रकार दुख के सुख के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, दुख के ऊपर भी कोई नियंत्रण नहीं। पांचवा कहते हैं, जब क्लेश जीवन में आए तो ये क्लेश क्यों आता है, भगवान इन क्लेशों के बीच हमारे कर्तव्य परायणता को दृढ़ करना चाहते हैं, कि चाहे कितना भी क्लेश क्यों ना आए, आप अपने कर्तव्यों से च्युत मत होना। अहो कष्टम अहो न्यायम यदयूयम धर्मनंदनाः,
जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्म अच्युताश्रयाः। तो भीष्म पितामह पांडवों को देखकर उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा की गंगा जमुना प्रवाहित होने लगती। जीवन पर्यंत उन पांडवों को क्लेश ग्रस्त अवस्था में देखने के पश्चात जब अब भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए अपने आगंतुक मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होने के पश्चात अब युधिष्ठिर और सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त करके मेरे समक्ष ज्ञान प्राप्त करने आए। उन पांडवों के अंतिम विजय को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और भूतपूर्व जितनी पीड़ाएं उन्होंने झेली, अनुभव किया, सहन किया, उसका विचार करते हुए कहते हैं, अहो कष्टम, कितना कष्ट झेला, अहो अन्यायम, कष्टों के मुकुटमणि क्या है, अन्याय। जब किसी व्यक्ति के जीवन में अन्याय होता है तो वो कष्ट सबसे अधिक उसके हृदय को लहूलुहान कर डालता है। और भले अन्याय वास्तविक रूप से न भी हो, लेकिन काल्पनिक रूप से उस व्यक्ति को लगे कि मेरे साथ अन्याय की षड्यंत्र रची गई है, तो सबसे अधिक वेदना उसे होती है। जीवन पर्यंत वो उस विचार के अस्त्र को, बाण को अपने हृदय के अंदर से निकाल नहीं पाता। हृदय के किसी कोने में वो चुभता रहता है, परेशान करता है, उसकी पुकार उसे रात्रि भर पीड़ा देती है। अहो कष्टम, अहो अन्यायम, इस अन्याय के मापदंड से देखा जाए तो पांडवों को तो जीवन पर्यंत केवल कृष्ण की ओर अपनी उंगली संकेत करते हुए दोष देना चाहिए था कि हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ। अहो कष्टम, अहो अन्यायम, अरे हमारे 5 पुत्र मारे गए, कुंती महारानी की वधू द्रौपदी, उसके साथ कितना अन्याय पूर्वक व्यवहार किया गया, अश्लील अपवित्र और फूहड़ बातों से दुशासन ने उसका बलात्कार करने का प्रयत्न किया, बिना किसी दोष के उन्हें अपना संपूर्ण साम्राज्य त्यागना पड़ा, दरिद्रता को अनुभव करना पड़ा। अहो कष्टम, अहो अन्यायम, यद यूयम धर्मनंदनाः। और वो भी किसी पापी व्यक्ति के जीवन में हो तो भी माना जा सकता है, लेकिन धर्म के नंदन जिन्होंने केवल धर्म के आधार पर जीवन जिया हो उनके जीवन में ऐसा। जीवितुं नार्हत क्लिष्टम, इतना क्लेश आप लोगों ने सहन किया कि मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि आप अब तक जीवित हो। क्यों? विप्र धर्म अच्युताश्रया, क्योंकि आपको विप्र धर्म और अच्युत का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि दैट यू आर फुलफिल्ड इन डिवोशन विथ अच्युता, फुल ऑफ डिवोशन विथ अच्युता, गाइडेड बाय द विप्रास एंड यू स्ट्रिक्टली फॉलो द धर्म। भगवान अच्युत के ऊपर आप आश्रित हो, विप्रों के द्वारा आप आदेशित हो और धर्म के ऊपर आप पूरी तरह अवलंबित हो, इसलिए आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अर्थात हानि लाभ होता रहेगा, लेकिन आप अपने मनुष्य जीवन के वास्तविक लाभ को समझ गए हो। विप्र धर्म अच्युताश्रय, आप हस्तिनापुर के राजगद्दी के पीछे लालायित नहीं हो, आपके लिए राजधन वास्तविक धन नहीं है, सत्ता धन वास्तविक धन नहीं है। आप समझ गए कि सत्ता धन और स्वर्ण धन इत्यादि वास्तविक धन नहीं, भगवान श्री कृष्ण के स्मरण का धन वास्तविक धन है। कि अगर मन में यह विचार उठ सके
कि मैं कृष्ण की कैसे सेवा कर सकूं, वैष्णवों की कैसे सेवा कर सकूं, धर्म का कैसे संरक्षण कर सकूं, जिसके मन के अंदर इस प्रकार का गुंजारव उठ सके हर क्षण में, चाहे बाहरी रूप से कितने ही विपरीत परिस्थितियों के द्वारा वो आक्रोशित हो, लेकिन फिर भी आंतरिक रूप से क्षण क्षण केवल वो विप्र धर्म और अच्युत की सेवा के विषय में ही उसके मन में गूंज उठता रहे, वो व्यक्ति मानव जीवन की सफलता को और लाभ को प्राप्त कर चुका है। वो समझ गया है कि मैं अपने मानव जीवन में वास्तविक करोड़पति बन चुका। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक पूर्णंदन बहुशाखायनंतश्च बुद्धयोः अव्यवसायिनम्। तो इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि देखो, व्यवसाय जो व्यक्ति करता है तो व्यवसाय बुद्धि क्या होती है, व्यवसाय बुद्धि अर्थात व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस, व्हाट इज अ बिजनेसमैन्स इंटेलिजेंस, व्यवसाय बुद्धि, बुद्धि मींस इंटेलिजेंस, थॉट प्रोसेस। जो व्यवसायिक व्यक्ति है, जो व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति है, उसकी बुद्धि, उसकी विचार की शैली किस दिशा में जाती है, उसके मन में क्या विचार प्रधान होता है, प्रॉफिट, लाभ। अ बिजनेसमैन इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट, तो लाभ से प्रेरित उसकी बुद्धि होती है। बिजनेसमैन मींस प्रॉफिट, चाहे कुछ भी हो। तो जो व्यक्ति व्यवसाय और बुद्धि के बीच में क्या शब्द का प्रयोग कृष्ण कहते हैं, आत्मिका, अर्थात व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। जब हम अपने जीवन में आत्मा के संबंध में सबसे बड़ा लाभ क्या है उसके विषय में विचार करें, अर्थात आत्मा से संबंधित धंधा जब हम करें, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, अर्थात जब अपनी बुद्धि को अपनी आत्मा के बिजनेस के संबंध में सबसे अधिक लाभ लाने के लिए जब प्रयत्न करें, तब वो व्यक्ति कैसा कार्य करता है, एकेह कुरुनंदना, वो दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर एक ही प्रश्न पूछता रहता है, वो क्या है, कैसे मैं कृष्ण की सेवा करूं, कैसे मैं कृष्ण की सेवा करूं, कैसे मैं कृष्ण की सेवा करूं और कैसे उसको संतुष्ट करूं। तो इसलिए महाविपत्तौ संसार यह स्मरेत मधुसूदन, विपत्तौ तस्य संपत्ति भवेत् इत्याशंका। महान विपत्ति में जब व्यक्ति भगवान मधुसूदन का स्मरण करके सोचता है कि मैं आपकी कैसे सेवा करूं, विपत्तौ तस्य संपत्ति, उसकी विपत्ति उसकी संपत्ति बन जाती है। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य है। और यहां पर कुंती महारानी और पांडवों को देखकर भीष्म पितामह यह कह रहे हैं, तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्हेन अ पर्सन इज डेडिकेटेड टू अच्युत, गाइडेड बाय ब्रह्मा, देयर इज नो हाउवर ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस इन लाइफ मे बी। कुंती महारानी वॉज अ विडो when she was young and later her sons were persecuted. Kunti Maharani was this time to suffer and one has to tolerate without disturbance. तो इस तरह कुंती महारानी के इस विषय में भीष्म पितामह पांडवों को देख के कह रहे हैं, जीव तुम नार्हत क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युताश्रया। विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन ये विपरीत परिस्थितियां आने पर आप अपने कर्तव्य से च्युत मत होना। और कर्तव्य क्या है, निरंतर कृष्ण की सेवा और कृष्ण के संतोष के विषय में ही चिंतन करते रहना।
छठा कारण कहते हैं भीष्म पितामह। कि क्लेश का कारण क्या है? काल। द कॉज इज टाइम विच कैनॉट बी कंट्रोल्ड। काल को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और तो भीष्म पितामह कहते हैं सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोर इव घनावली। तो ये कारण क्या है? ये है काल, और ये कोई वर्तमान में नहीं, और ये कोई पुराना या पुरातन भी नहीं, इसे हम देख नहीं सकते। और ये काल असिस्टेंट के रूप में है और हमारे प्रारब्ध कर्मों को हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो धर्म के साक्षात प्रतीक। अगर धर्म के प्रतीक को प्रारब्ध कर्म का अनुभव करना पड़े तो फिर धर्म में कोई अर्थ ही नहीं बचता। तो ये काल जो आया है, ये प्रारब्ध कर्मों को लेकर तो युधिष्ठिर और पांडवों को उनके प्रारब्ध कर्म देने नहीं आया होगा, क्योंकि धर्म प्रतीक है, धर्म के प्रतीक है, धर्म साक्षात है। उनके जीवन में प्रारब्ध कर्म कैसे हो सकता है? तो हाँ, छठा कारण है काल, लेकिन ये काल क्या है? ये प्रारब्ध कर्म का संदेशवाहक नहीं है, ये सातवां भगवान की इच्छा का संदेशवाहक है। भक्तों के जीवन में जब भगवान हस्ताक्षेप करते हैं, अपनी इच्छा को काल के माध्यम से प्रकट करते हैं, इसलिए कहते हैं यत्र धर्म सुतो राजा गलापानिर ब्रिकोदर कृष्णो स्त्री गांडिवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत। अरे युधिष्ठिर, यहां मैं देख रहा हूं सबसे बड़ी विडंबना, पांडवों के परिवारों का पांडवों के परिवार का विश्लेषण करो तो क्या अद्भुत तत्व हम देखते हैं। एक ही परिवार के अंदर युधिष्ठिर महाराज धर्म के प्रतीक हैं, भीमसेन शक्ति के प्रतीक हैं, अर्जुन निपुणता के प्रतीक हैं, धनुर्विद्या के प्रतीक हैं, नकुल और सहदेव स्वामी परायणता स्वामी भक्ति के प्रतीक हैं, और भगवान श्री कृष्ण शुभ चिंतक के प्रतीक हैं। सारी शक्तियों सारी सत्ताओं के सारे शुभ चिन्ह एक ही परिवार के अंदर परिलक्षित होते हुए भी इनके अंदर बारंबार विपत्ति का सामना करना पड़ा। इतनी संपत्तियां कूट कूट कर समुचित रूप में जहां खचाखच भरी हुई हो, ऐसे संपत्तियों से युक्त परिवार भी निरंतर विपत्ति का सामना करना करते हुए देख रहा था। तो यहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं डिस्पाइट द पावर ऑफ पायस एक्ट्स डिस्पाइट द पावर ऑफ पर्सनैलिटीज डिस्पाइट द पावर ऑफ एक्सपर्ट मैनेजमेंट डिस्पाइट द पावर ऑफ वेपन्स द पांडवा सफर्ड सो मेनी प्रैक्टिकल रिवर्सेस which can only be explained due to the influence of kala, inevitable time. ये सारी विपत्तियों के पीछे क्या कारण है? काल। फिर प्रभुपाद कहते हैं काल इज आइडेंटिकल विद द लॉर्ड हिमसेल्फ एंड देयरफॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ काल इंडिकेट्स द इनएक्सप्लिकेबल विश ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। ये काल कृष्ण की इच्छा का ही प्रतीक है, कृष्ण की अचिंत्य इच्छा का प्रतीक है, जो इच्छा समझाने से परे है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं देयर इज नथिंग टू बी लैमेंटेड व्हेन अ मैटर इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। जब कोई परिस्थिति मनुष्य की शक्तियों से परे हो तो उसके विषय में शोक करना निरर्थक है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं हाउ कुड देन टाइम अट्रैक्ट कृष्णा दैट द पांडवास वेर फिल्ड विथ दास्य साख्य वात्सल्य फॉर कृष्णा दैट इज मोस्ट एस्टॉनिशिंग। अरे ऐसे पांडव जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति दास्य वात्सल्य
इत्यादि भावों से अभिभूत थे, उनके साथ भी ऐसा वो कैसे हो सकता है? विदाउट अ कॉज टाइम हैज प्रोड्यूस द इफेक्ट्स हुज कॉज वी मस्ट इन्फर लुक्स सिमिलर टू कर्म। तो जो विपत्तियां पांडवों के जीवन में आई, दिखने में ऐसा प्रतीत होगा कि वो विपत्तियां उनके पूर्व कर्म के कारण हुई, लेकिन वास्तव में वो कृष्ण की इच्छा के कारण हुई, दिखने में भले वो एक जैसा लगे। तो इसलिए भक्तों के जीवन में काल का हस्ताक्षेप भगवान की इच्छा से होता है, दैट टाइम रिप्रेजेंट्स लॉर्ड्स विल। आठवां आगे भीष्मदेव कहते हैं, दैट लॉर्ड्स विल इज इनकंसीवेबल एंड अनोवेबल। ये भगवान की इच्छा को हम कभी समझा नहीं सकते और समझ नहीं सकते, ये अचिंत्य है। नहीं अस्य करहि चित्राजन पुमान वेद विधित्सितम् यद् विजिज्ञासया युक्ता मोहयन्ति कवयोपि। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जब जीवन में समस्या विपत्ति आपत्ति आए, बद्ध जीव की प्रथम स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? बुद्धि से उसे समझने का प्रयत्न करे, बुद्धि से उस विपत्ति का विश्लेषण करे, विवेक से। तो भीष्म पितामह कहते हैं, विपत्तियों को विवेक से विश्लेषण करना निरर्थक है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, द प्लान्स ऑफ कृष्णा कैनॉट बी इन्फर्ड विथ इंटेलिजेंस एंड कैनॉट बी इंटरफियर। आप अपनी बुद्धि से भगवान की इच्छा को न समझ सकते हो, न आप अपने क्रियाओं और कर्मों से और अपनी योजनाओं से आप उसमें हस्ताक्षेप करके उसको परिवर्तित कर सकते हो। सो कृष्णास प्लान कैनॉट बी इंटरफियर्ड, कैनॉट बी इन्फर्ड, न समझ सकते हो न उसे परिवर्तित कर सकते हो। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, with respect to Krishna's plan, both use of intelligence and endless inquiry is useless. क्योंकि जब विपत्ति आती है और जब विपत्ति इस प्रकार अचानक बिना अपेक्षा के तात्कालिक रूप से तमाचा मारे, तो उस वेदना के कारण व्यक्ति एक असीमित मात्रा में प्रश्न के श्रृंखलाओं में डूब जाता है और वो प्रश्न के सागरों में डूब कर सोचता है कि कभी ना कभी तो मुझे उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो अपने बहुमूल्य मानसिक विचारों की संपत्ति को निरर्थक प्रश्नों में गंवा देता है। तो भगवान कहना चाह रहे हैं, My plans cannot be inferred, my plans cannot be interfered. Use your intention to serve me. एक ही प्रश्न पूछो, मैं आपकी कैसी सेवा करूं? अर्थात इस जगत के हर संपत्ति और विपत्ति को कृष्ण के प्रसाद के रूप में देखना ही वास्तविक बुद्धि है, वास्तविक ज्ञान है। इसलिए मंदिरों का निर्माण किया गया है प्रसाद वितरण के लिए। और ये प्रसाद का वितरण कैसे होता है? केवल द्रोण में नहीं, द्रोण वाला प्रसाद पेट में जाता है, ज्ञान वाला प्रसाद बुद्धि के अंदर से जाकर मन के अंदर उतरता है और तब बाहर की विपत्ति को हम देखते हुए भी
जब संपत्ति आए तब तो भगवान को अवश्य प्रार्थना करके धन्यवाद देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भले मैं आपको प्रसाद दूं या भले तमाचा मारूं, मैं आपकी कैसी सेवा करूंगा। और इसको प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने वृंदावन की लीलाएं की, क्योंकि ब्रजवासी एक ऐसे श्रेणी के भक्त हैं और वृंदावन धाम एक ऐसी धरातल है जहां हर प्रकार के संपत्ति और विपत्ति के परिस्थितियों में भी कोई दूसरा या तीसरा प्रश्न नहीं उठता, एक ही प्रश्न की गूंज वहां उठती है, कैसे हम कृष्ण की सेवा करें। और सबसे बड़ी विपत्ति ब्रजवासियों ने कब झेला, जब इंद्रदेव ने आक्रमण किया। और सबसे बड़ी विपत्ति गोवर्धन के नीचे ब्रजवासियों ने अनुभव किया। इसलिए गोवर्धन उस तत्व का प्रतीक है कि जो हमारी योजना के विपरीत जो सब कुछ हो सके, जो हमने सोचा हो, जो कल्पना की हो, जो संपत्ति के विषय में स्वप्न देखा हो, उसके ठीक विपरीत असीमित मात्रा में जो सब कुछ हो सके वो सब गोवर्धन से जुड़ा हुआ है। इसलिए गोवर्धन शांति की कामना करते हुए कामुक लोगों के लिए खतरा का चिन्ह है, क्योंकि गोवर्धन अर्थात शांति का दमन, शांति का विनाश, और गोवर्धन अर्थात केवल सेवा प्रधान। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला रचाई और उस गोवर्धन लीला के माध्यम से असीमित वैदिक सभ्यता और संस्कृति के असीमित ज्ञान के खजाने का मूल निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिया। और इसलिए यहां पे कह रहे हैं यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि, दैट द इंटेंस इंटेलिजेंट एनक्वायरी कैन नाइदर इन्फर नॉर इंटरफियर विद द लॉर्ड्स प्लान। हो सकता है पीड़ा बहुत खतरनाक हुआ, मे बी इट इज वेरी इंटेंस, मे बी यू आर वेरी इंटेलिजेंट, सो विथ योर इंटेंसिटी एंड इंटेलिजेंस यू आर डूइंग इंक्वायरी, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। सो वेदर यू आर इंटेंस और इंटेलिजेंट और इंटेंस एंड इंटेलिजेंट एंड इंक्वायर, सो विथ इंटेंसिटी विथ इंटेलिजेंस विथ इंक्वायरी यू कैन नाइदर इन्फर द लॉर्ड्स प्लान नॉर इंटरफियर इन द लॉर्ड्स प्लान। यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि नहि यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विदित्सितम्। भीष्म पितामह कहते हैं ना, पुलिस भी शरशय कोई मृत्यु के निकट व्यक्ति का स्टेटमेंट को बहुत मोल देती है, द डाइंग स्टेटमेंट। तो भीष्म पितामह अब मृत्यु के निकट, इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें प्राप्त है और सामने उनके सबसे प्रेमी युधिष्ठिर महाराज और पांडव बैठे हैं, तो संपूर्ण अपने जीवन पर्यंत भक्ति के साक्षात्कार का निचोड़ इस अनमोल रत्न के रूप में दे रहे हैं। यहाँ पर तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, सफरिंग्स ऑफ द पांडवास नेवर ड्यू टू द पास्ट डीड्स, द लॉर्ड हैड टू एस्टैब्लिश द प्लान ऑफ एस्टैब्लिशिंग द किंगडम ऑफ वर्च्यू। ये कृष्ण की योजना थी, क्योंकि यहां युधिष्ठिर रो रहे हैं कि मेरी महत्वाकांक्षा के कारण ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, मैंने सबको मरवा दिया, 64 करोड़ विधवाएं पैदा हो गई मेरे महत्वाकांक्षा के कारण, मुझे राजा बनाने के चक्कर में। और युधिष्ठिर रोए जा रहे हैं और कृष्ण अंदर ही अंदर माथा पीट रहे हैं कि अरे भैया प्लान तो मेरा था, ये क्यों रो रहा है। तो इसलिए कृष्ण
अपने धर्म संस्थापनार्थ अपना मिशन करवाने के लिए युधिष्ठिर को निमित्त बनाए एंड देयरफॉर हिज ओन डिवोटी सफर टेंपरेरली टू एस्टैब्लिश द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वर्चू। प्रभुपाद के तो कृष्ण ने अपने कुछ भक्तों को निमित्त बनाया जिससे धर्म का विजय करवा सके। आगे कहते हैं भीष्म पितामह, तस्मात् इदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरत ऋषभं तस्यानुविहितो राजन् नात पाहि प्रजा प्रभु। कहते हैं अंत में, हे युधिष्ठिर, इसलिए अपने शोक को समाप्त करो, ये मत सोचो कि आप इस पीड़ा के मूल स्रोत हो। डोंट ब्लेम योरसेल्फ, अपने आप को मत कोसो, अपने आप को दोष देकर हतोत्साहित होकर आशाहीन होकर आप अपने उत्तरदायित्व को मत त्यागो। आप जाओ, तस्मात् इदं दैव तंत्रम, इसे दैव का तंत्र मानो। दैव तंत्रम अर्थात दैव रूपी मशीन, द मशीन ऑफ डेस्टिनी, इट इज मूविंग। पंखा का ब्लेड घूम रहा है, घूमते हुए पंखे के अंदर अगर उंगली को अपन डालेंगे तो वो उंगली कटेगा। ये तंत्र है, मशीन है, ये मशीन घूम रहा है ऊर्जा से, बिजली की ऊर्जा से दैव रूपी मशीन घूम रहा है अपने तीखे ब्लेड को लेकर कृष्ण की इच्छा रूपी ऊर्जा से। उसमें कब कौन कटेगा ये हम कह नहीं सकते। तस्मात् इदं दैव तंत्रम यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो राजनाथ। अरे भाई, आप नाथ बनो, क्योंकि अल्टीमेट नाथ तो मैं हूं बाय द वे, लेकिन जो अनाथ हुए हैं वो आपके कारण नहीं, वो मैं नाथ के कारण वो अनाथ हुए हैं। अब जो बचे हुए अनाथ हैं उनका तुम नाथ बनो। नाथ पाही प्रजा प्रभु, इस प्रकार उनको प्रोत्साहन देकर भेजते हैं। ऑल दिस इज विद इन द प्लान ऑफ द लॉर्ड, द एक्सेप्ट द इनकंसीवेबल प्लान ऑफ द लॉर्ड एंड फॉलो इट। अर्थात भगवान की इच्छा को समझने का प्रयत्न मत करो, भगवान की इच्छा के सामने समर्पित हो जाओ। तो इसलिए डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड्स प्लान विथ योर हेड, बो डाउन योर हेड इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड्स प्लान। तो इस प्रकार ये आठवां कारण कहते हैं। फिर आगे नवा कारण कहते हैं कि कई बार भगवान क्लेश भक्तों के जीवन में लाते हैं उनकी कृपा के लक्षण के रूप में। द सफरिंग इन डिवोटीज लाइफ इज अ सिम्टम ऑफ हिज मर्सी, यस्याहम अनुग्रहिणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजत यस्य स्वजनम दुख दुखिताः। दसवें स्कंद के 88th चैप्टर में आठवां श्लोक है ये। क्या कहते हैं कि साधक के जीवन में भी जब वो भक्ति करने लगता है, क्लेशाग्नि क्लेश जब नष्ट होने लगता है, तो धीरे धीरे जब कर्म के बंधन छूटते हैं तब भी कुछ कुछ उसके जीवन में धीरे धीरे इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए कुछ तात्कालिक क्लेश आ सकता है। और भगवान चाहते हैं कि वो भक्त क्लेशाग्नि शुभदा इस प्रकार चलते चलते वो सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च कृष्ण के प्रति अपने शुद्ध आकर्षण को बढ़ाए। उस प्रक्रिया में भगवान कभी कभी क्लेश दे सकते हैं। द लॉर्ड वॉचेस ओवर हिज डिवोटी एंड सीज टू द ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ कर्मा, अर्थात शरीर में आए हुए फोड़े को दूर करते हुए हो सकता है कुछ ब्लेड की चुभ लगे, वैक्सीन लगाते समय थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही है, लेकिन उससे भविष्य उज्जवल होता है। इस प्रकार भगवान उस क्लेशों को दूर करने के लिए कुछ क्लेश बीच में देते हैं। The happiness and distress of a devotee resemble the ordinary karmic reactions। तो इसलिए कहते हैं यहां पर
भवता उथ शुभाशयो हो। तो जो मैच्योर परिपक्व चेतना है, मैच्योर डिवोटी रिकॉग्नाइजेस द सुपरफिशियल एंड गुड एंड बैड कंडीशंस एंड एनकाउंटर द साइन ऑफ डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ हिज वेल विशिंग लॉर्ड। परिपक्व चेतना वो है जो हर प्रकार के शुभ अशुभ परिस्थितियों को भगवान के ही हस्ताक्षेप के रूप में देखे, वो समझे कि ये जो हो रहा है मेरी भलाई के लिए हो रहा है। सी द डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ द वेल विशिंग लॉर्ड। दसवां प्रश्न उठता है, व्हाई डज द लॉर्ड एक्सपोज द डिवोटी टू द स्पेशल सफरिंग इफ ही इज कंपैशनेट। भगवान अपने भक्तों के जीवन में इस प्रकार की कृपा क्यों देते हैं? अगर आप कहते हो कि क्लेश कृपा का एक चिन्ह है, तो इस प्रकार की कृपा की क्या आवश्यकता है? तो इसके संबंध में कई कारण इस तात्पर्य में चक्रवर्ती पाद देते हैं, और मूल जो है आठ कारण बता रहे हैं कि इसके पीछे क्या है, सात कारण। तो सबसे पहले कहते हैं एजुकेशन। भगवान जिस प्रकार पिता अपने बच्चे को यहां वहां भागता हुआ देखकर देखता है कि कल परीक्षा है लेकिन वो वीडियो गेम में लगा हुआ है, तो कोई भी पिता उसको रोकेगा। तो वैसे ही भगवान हमारे मचलते हुए मन और इंद्रियों को देखकर कभी कभी उन इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को हमसे दूर कर देते हैं, खिलौने को दूर ले जाते हैं, जिससे कि हम उनके ज्ञान पर अधिक ध्यान दें। तो एजुकेशन, शिक्षा। दूसरा ग्लोरिफिकेशन। बड़े बड़े पारंगत भक्त जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज के जीवन में भी भगवान क्लेश लाते हैं ये सिद्ध करने के लिए। देखो हाँ, प्रहलाद महाराज जैसे भक्त किस प्रकार हर परिस्थिति में क्लेश से मुक्त हैं, है कि नहीं? तो प्रहलाद महाराज के जीवन में चाहे कितना भी कष्ट और क्लेश क्यों ना आया हो, वो कभी इस विपत्ति के अधीन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो हर प्रकार के असुर भावना से मुक्त थे। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, कैसे मैं भगवान की सेवा करूं, है कि नहीं? वो कौन सा श्लोक है? रहिता सुरा सुरगणा। हाँ नहीं, प्रहलाद महाराज का कि वो असुर होते हुए भी असुरों के भाव से मुक्त थे, है कि नहीं? असुरों का उनके अंदर कोई भाव नहीं था, क्योंकि वो कोई भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों से आसक्त नहीं थे। He was free from all demoniac tendencies because he was not a demon. उनकी चेतना में केवल भगवान की सेवा और भगवान का संतोष ही प्रधान था। तो इसलिए प्रहलाद महाराज को विशेष रूप से भगवान ने इस प्रकार की परिस्थिति में रखा। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज को तो हमने देखा, नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुद्रिक दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा प्रशांत काम रहिता सुरा असुरा न उद्विग्न चित्त। उनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं हुआ, व्यसनेषु हर प्रकार के व्यसनों के बीच में भी, क्योंकि उनके मन में एक ही प्रश्न था, मैं कैसे सेवा करूं। जब मन में प्रश्न होता, मैं कैसे भोग करूं, मैं कैसे भोग करूं, मैं कैसे भोग करूं, तब जब भोग के साधन छीन लिए जाते हैं तब हम परेशान हो जाते हैं। जब हमारे मन में प्रश्न उठता रहता है, मैं कैसे सत्ता प्राप्त करूं, कैसे सत्ता प्राप्त करूं, कैसे सत्ता प्राप्त करूं, कैसे दूसरों के पर सत्ता जमाऊं, और वो जब सत्ता के साधन छीन लिए जाते हैं तब हम भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जब मन में निरंतर प्रश्न का गूंज उठ रहा हो, मैं कैसे सेवा करूं, मैं कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा करूं, 14 लोकों में कोई सत्ता नहीं जो सेवा के अवसर को हमसे छीन सके,
इसलिए ऐसा व्यक्ति निश्चिंत हो सकता है इस परिस्थिति में। तो एजुकेशन ग्लोरिफिकेशन, थर्ड इज रेसिप्रोकेशन, कि वैष्णवास हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इज फेल्ट एज प्लेजर एंड पेन बिकॉज इट वाई, क्योंकि यहां वर्णन करते हैं कि जो भौतिक रूप से जब कर्मों का प्रभाव पड़ता है तो कर्मों के प्रभाव से जब सुख और दुख होता है तो उसके दो परिणाम होते हैं, वो क्या, देयर इज अ ट्रेस रेसिड्यू ऑफ कर्मा स्टिल, अर्थात इच्छा बनी रहती है और फिर द पर्सन गोस थ्रू डिसग्रेस, उसको लगता है कि मैं पूरी तरह विफल हो गया। तो ट्रेस एंड डिसग्रेस, दीज आर द टू इफेक्ट्स ऑफ कार्मिक एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार क्लेश अनुभव करता है, ही नाइदर एक्सपीरियंसेस ट्रेस ऑफ एंजॉयमेंट और सफरिंग और फील्स इट एज अ डिसग्रेस। उसको ये नहीं लगता कि मेरा अपमान हुआ है, उसे लगता है ये भगवान का हस्ताक्षेप हुआ है। तो इसलिए ये तीसरा, विच इज रेसिप्रोकेशन ऑफ द लॉर्ड, भक्त को चाहिए कि वो इसे भगवान के आदान प्रदान के रूप में देखे। चौथा, द डिवोटीज परसेप्शन इज जस्ट लाइक एग्जाम्पल इज गिवन, व्हेन ऑइंटमेंट इज पुट ऑन आई डिजीज that actually gives little pain but great pleasure, so gratification. तो जब आंख में दर्द हो और सूरमा लगाए या कोई दूसरा अंजन लगाए, थोड़ा समय के लिए कुछ दर्द होगा लेकिन फिर ठंडक अनुभव करते हैं। So therefore the devotee's perception of suffering imposed is unlimited pleasure, not troublesome, gratification. फिर भक्त देखता है कि भगवान इस तरह भक्तों के जीवन में क्लेश क्यों ला रहे हैं, क्योंकि अगर हर व्यक्ति भक्ति करे और उसके जीवन में केवल सुख आए तो जगत का हर व्यक्ति भक्ति करने के लिए प्रेरित हो जाएगा और उसको लगेगा केवल क्लेश को दूर करने के लिए मैं भक्ति करूं। लेकिन भक्ति का मूल कारण क्लेश दूर करने के लिए नहीं, वो भगवान की सेवा को सिद्ध करने के लिए। तो गलत कारणों से लोग प्रेरित हो जाएंगे, गलत एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, है कि नहीं, दुकान लगाया है कपड़े का, दवाई ढूंढते हुए लोग घुसाएंगे। इसीलिए भगवान क्यों करते हैं ऐसा, प्रोटेक्शन, पहले ही एक चिन्ह लगा दिया, खोपड़ी और दो कंकाल, उसको देखकर जो वो वोल्टेज झेल सकता है वही आएगा। तो भगवान को बाद में अपन दोष नहीं दे सकते, अरे बताए नहीं, बोले पहले ही बोला था भैया झटका लगेगा, कहां बोला था, परीक्षित को देखो, पांडवों को देखो, प्रहलाद को देखो, झटका खाया कि नहीं, हाँ हाँ, तुम खा सकते हैं, नहीं, तो फिर सोच के आओ आराम से, तब तक क्या करो, बहुत देवता है, जाओ सबके पास, यहां घुसना है तो पहले समझो कौन सा वोल्टेज का बत्ती जल रहा है। तो इसलिए protection of the confidentiality of bhakti by discouraging intrusion by faithless, जो अश्रद्धालु हैं वो भक्ति में प्रवेश न हो सके, इसलिए भगवान ने ये किया है। फिर आगे छठा कहते हैं appreciation, why suffering is brought in the life of devotees, so that to increase the appreciation and eagerness with which devotees call upon the Lord, और आतुरता के साथ लोग भगवान को पुकार सकें, क्योंकि कई बार भक्ति करते करते उदासीन हो जाते हैं। उदासीन भक्त को देखकर भगवान उसके जीवन में थोड़ा उदासी का मिसाइल फेंकते हैं और जब उसको लगता है कि मैं उदास हो रहा हूं, उदासी के कारण आ रहे हैं, तो उदासीनता को छोड़ के उठना पड़ता है। तो इसलिए ये एक कारण है। और सातवां कहते हैं,
अंत में इनविगुरेशन, पूरी तरह से उसके अंदर उत्साह तैयार करने के लिए कि जब रात्रि का अंधकार हो तब तो सूर्य का प्रकाश का हम वैल्यू समझते हैं, जब भूख लगे तब तो सूखी रोटी कितनी स्वादिष्ट है उसको हम समझ सकते हैं, है कि नहीं। जब हम ठंडे में हो, सर्दी के मौसम में तो गर्म पानी का हम मूल्य समझ सकते हैं, और जब गर्मी हो तब ठंडे शीतल जल का मूल्य समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार टू स्ट्रेंथन द डिवोटीज मूड ऑफ डिपेंडेंस ऑन हिम एंड लॉन्गिंग फॉर हिम द लॉर्ड अरेंजेस सफरिंग एंड इट इंक्रीजेस देयर ग्रैटिट्यूड एंड ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। भक्तों के कृतज्ञता, सेवा भाव और दिव्य आनंद को ये वर्धन करता है। तो इस प्रकार ये हम 10 कारण देखते हैं क्लेश का, दैट सफरिंग इज डिजाइंड बाय ब्रह्मा जी। नंबर 2, द अल्टीमेट कॉज इज कृष्णा। नंबर 3, ही सर्टिफाइज इट, सर्टिफाइज दिस वर्ल्ड एज अ प्लेस ऑफ सफरिंग, इज गिविंग वार्निंग। 4, सफरिंग इज इनबिल्ट ऑटोमेटिकली and it is delivered based on your karma. 5th, it is to test your dutifulness. Are you willing to be dutiful irrespective of your destiny? 6th, time also cannot counter this suffering. 7th, time is Lord's will. 8th, the Lord's will is inconceivable and cannot be inferred and cannot be interfered. And 9th, even for those who are devotees of the Lord, it is the Lord's mercy. And 10th, it is the Lord's intimate purpose to educate, to glorify, to reciprocate, to gratify, to protect, to increase appreciation and invigoration within the devotees. So this is an overview. Ye pura ek vishleshan hai ki klesh इस जगत में क्यों सन्निहित किया गया है। तो अब हम एक संक्षेप में देखते हैं, हाउ नॉट टू रेस्पॉन्ड टू सफरिंग, क्लेश के प्रति किस तरह हम प्रतिक्रिया न करें। हाउ नॉट टू रेस्पॉन्ड, नंबर 1, जस्टिफिकेशन। नंबर 2, रैशनलाइजेशन। तर्क के आधार पर हम नहीं समाधान कर सकते। 3rd, डिनाई रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्वों से, व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों को अगर हम स्वीकार न करें और कहें कि इस क्लेश के पीछे मेरा कोई हाथ ही नहीं, वो भी नहीं चलता। 4th, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज बियॉन्ड आवरसेल्व्स। कई बार हम लोग सोचते हैं ये क्लेश के पीछे मैं तो कारण नहीं हो सकता, और कौन हो सकता है, और दोष ढूंढने की इच्छा। 5th, इनकंसिस्टेंसी इन एक्सेप्टिंग आई एम द डूअर। जब सक्सेस आए तो हम कहते हैं आई एम द डूअर, फेलियर आए वो आई एम नॉट द डूअर, कौन है, हु इज द डूअर, हु इज रिस्पॉन्सिबल। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं, डिवोटी सफरिंग बेबिल्डर्स इवन द रिलीजियस पीपल। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, इन केस ऑफ अ बेनिफिट नो वन विल डिनाई दैट इट इज गॉड सेंट। गज कुछ संपत्ति आए, सफलता आए, सब लोग कहेंगे भगवान ने किया है। बट इन केस ऑफ अ लॉस रिवर्सेस, वन बिकम्स डाउटफुल अबाउट हाउ द लॉर्ड कुड बी सो अनकाइंड टू हिज डिवोटी टू पुट हिम इन ग्रेट डिफिकल्टी। तब जब विपत्ति आए तब मन में प्रश्न चिन्ह उठता है कि अपने प्रेमी भक्त के जीवन में ऐसा क्लेश भगवान कैसे ला सकते हैं। इसलिए भागवत में और अन्य अन्य लीलाओं में भगवान ऐसे सारे लीलाओं को सन्निहित कर देते हैं जिससे ये संशय ना आए। तो चित्रकेतु महाराज विवाह किए संतान की इच्छा से, एक पत्नी से विवाह किए संतान नहीं हुए, दूसरे पत्नी से विवाह किए संतान नहीं हुए, तीसरे से किए संतान नहीं हुए, विवाह करते चले गए, भारी स्पीड में विवाह किया, और विवाह करते करते 1 करोड़ पत्नियां उन्होंने धारण कर ली। वो ओरिजिनल करोड़पति वो थे। करोड़ पत्नियों को धारण करने के बाद भी जब संतान नहीं हुए
तो नारद मुनि अंगिरा ऋषि इत्यादि जब आए तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि भाई पुत्र होगा लेकिन नाम होगा हर्ष शोक। सोचा ठीक है क्या है, थोड़ा बहुत मस्ती करेगा शोक देगा। कृतद्युति को पुत्र हुआ लेकिन बाकी पत्नियों के मन में इतना द्वेष आया कि उसको विष पिला दिया, समाप्त कर दिया। तब उस समय जो उनकी प्रतिक्रिया थी, ये प्रतिक्रिया अनुचित प्रतिक्रिया है। जो कृतद्युति उस समय दोषारोपण करती है भगवान का कि हमारे जीवन में ये क्या हो गया। तो इसलिए ये आठ तत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, हाउ नॉट टू रेस्पॉन्ड। तो ये क्या है, नंबर वन कंडीशन सोल, सोल इज कंडीशन। दूसरा कैलेमिटी, जब कंडीशन सोल के जीवन में कैलेमिटी आए, जब बद्ध जीव के जीवन में विपत्ति आए, तब तीसरा क्या करता है, कंडेमनेशन अर्थात भर्सना करता है। चौथा क्या करता है, क्रिटिसिज्म आलोचना करता है, किसकी, उसकी, उसकी, इसकी, इसको छोड़कर सबकी आलोचना, हर दिशा में आलोचना। पांचवा क्रिटिसाइजिंग होम द क्रिएटर। छठा एंड कॉल्स द क्रिएटर क्रूकेड। और सातवां गाली देने के बाद अपेक्षा करता है कि ही विल चेंज हिज प्लान। और आठवां चेंज द क्रिएटिव लॉज, जो आपने जो नियम तैयार किए हैं उसको बदल डालो। तो इसलिए इस प्रकार हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, भागवत इस बात का प्रमाण कर रहा है। तो हाउ टू रेस्पॉन्ड, किस प्रकार हमें प्रतिक्रिया करनी चाहिए, ये हम अब देख रहे हैं अंत में। सबसे पहले टॉलरेट द इनएविटेबल, सहन करो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुख दाह। अर्थात हमेशा समझो कि जब इंद्रियां इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क करे तो फिर कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। जब किसी के सामने खड़े हो और व्यक्ति अपनी जुबान से कुछ शब्द बोलने वाला है तो समझो 50% चांस है वो अपने शब्दों से आपको सुख दे सकता है, 50% चांस है वो अपने शब्दों से दुख दे सकता है। तो कोई सामने आकर जैसे ही वो मुंह खोलना स्टार्ट करे, पहले ही आपकी तैयारी होनी चाहिए, अभी सामने आए क्या बोलने वाला है, मतलब 50% चांस है कि वो गाली दे। तो पहले ही तैयारी के साथ जब खड़े रहो तो क्या होता है, दर्द कम होता है। तो अगर सामने खड़े होकर सोचो अभी गाली देने में तो प्रभु कितने अच्छे हो, बोले हाँ, तो ऐसा लगता है शीतल जल आ गया। तो अपेक्षा क्योंकि हम करते हैं कि 100% समय ये सुख ही देगा, तो थोड़ा सा भी कुछ बोलो तो ऐसा लगता है सर पे बम फोड़ दिया। तो सबसे पहले सहन करो, सहन कैसे करो, हमेशा उचित रूप से अपेक्षा करो, एक्सपेक्ट वाइजली, व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी of happiness versus distress in every interaction of sense with the sense object. देखिए नहीं, अभी मई का महीना है, 1 बजे आप बाहर घूमोगे धूप में तो क्या होगा आपको ही पता है। तो इसलिए उसकी तैयारी करके चलो। तो उसी प्रकार वो हम लोग तैयारी नहीं करते इसलिए क्लेश होता है। टॉलरेट द इनएविटेबल। नंबर टू Gratefully accept the will of the Lord. और इसके लिए कौन सा श्लोक है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाना भुंजानु एव आत्मकृतं विपाकम्। मतलब आत्मकृतं, मैंने ही पूर्व जन्म में कुछ किया है, मैंने ही रेस्टोरेंट में आके मिर्ची का पकौड़ा ऑर्डर किया था, तो इसलिए वो लेके आया और वो दिया और बहुत तीखा लगा, तो फिर मैं इसको गाली दूं, मेरा भी उत्तरदायित्व है कि ऑर्डर मैंने दिया था। तो इसलिए आत्मकृतम, किसी पिछले जन्म में ऑर्डर दिया है, प्रॉब्लम यह है इसलिए याद नहीं रहता।
कृत्वा वपुर्भिर विददान नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। तीसरा, आइडेंटिफाई द माइंड एज द कल्प्रिट। हाउ टू रेस्पॉन्ड टू सफरिंग, आइडेंटिफाई द माइंड एज सफरिंग। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काल मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्ते। अवंती ब्राह्मण कह रहे हैं, पहले मुझे लगा मेरे अपमान के पीछे कौन जिम्मेदार है, किसको मैं दोष ठहरा हूं। नायम जनों में, ये लोग नहीं, न देवता, देवता नहीं, गृह नहीं, काल नहीं, कर्म नहीं, मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्ते। फिर कहते हैं चौथा, हाउ टू रेस्पॉन्ड काउंटरैक्ट नेगेटिविटी बाय अप्रोचिंग द सुप्रीम पॉजिटिव। और उदाहरण कौन सा है, सुनीति। सुनीति और जो कृतद्युति ने किस प्रकार, कृतद्युति और दूसरी पत्नियों ने किस प्रकार प्रतिक्रिया, अब जो कृतद्युति के साथ जो दूसरी पत्नियां थी उनको क्या लगा, पति ने हमारी उपेक्षा की, हस्बैंड एज नेग्लेक्टेड। सुनीति को भी क्या लगा, हस्बैंड एज नेग्लेक्टेड। दोनों के साथ वार्ता वही हुई, बोथ वेंट थ्रू सेम सर्कमस्टेंस, बोथ फेल्ट नेग्लेक्टेड बाय द हस्बैंड। चित्रकेतुज रिमेनिंग वाइव्स एंड उत्तानपाद वाइफ बोथ फेल्ट नेग्लेक्टेड, बट हाउ वॉज द रेस्पॉन्स। दोनों को लगा हमारी उपेक्षा हुई, लेकिन प्रतिक्रिया इनकी कैसी थी। ध्रुव को कहते हैं, तमेव वत्सांश्रय भृत्य वत्सलम ममोक्षुभि मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप भजस्व पुरुषम। अरे ध्रुव बेटा, आप तो रो रहे हो लेकिन व्यर्थ शोक करना निरर्थक है, अपने शोक को दूर करने के लिए मार्ग ढूंढो। और वो मार्ग क्या है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय। There is no point blaming, arguing, lamenting. तो इसलिए तीन बातें कहती हैं सुनीति, don't harm the pain giver, number two, everyone suffers their own deeds, and number three, to fulfill desire, worship the supreme lord, number four, see the positive in the situation। कि जिसने कष्ट दिया है उसको दर्द देने का विचार छोड़ दो। दूसरा, हर एक व्यक्ति अपने कर्मानुसार कष्ट झेलते हैं। तीसरा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी हो भगवान की सेवा करो। चौथा, सुरुचि ने कहा था ना, अगर आप इसको, आप अगर आपको इस राजगद्दी पर बैठना हो, सिंहासन पर बैठना हो, तो मेरे गर्भ से जन्म लेना हो, मेरे गर्भ से जन्म लेना हो, तो भगवान नारायण की सेवा करनी हो, पूजा करनी हो, उस बात को, उस तत्व को स्वीकार करो और इसलिए जाओ और भगवान नारायण की सेवा करो। इसलिए बेटा, दुनिया में तो लोग गाली देते ही रहेंगे, कितने लोगों की गालियों का तुम प्रतिकार करते रहोगे। इसीलिए अगर चरणों में कांटे नहीं चुभने हो, कंकड़ नहीं चुभने हो, तो हाथ में हथौड़ा लेके कितने कंकड़ों को आप जो है विदीर्ण करते रहोगे, कितने कांटों को आप प्लेन करते रहोगे, जमीन के नीचे गाड़ते रहोगे, कोई सीमा है क्या। पैर के ऊपर अच्छा पादुका पहन लो तो चाहे नीचे कंकड़ हो या मुलायम रज हो, दोनों परिस्थितियों में चलते चले जाओगे। पांचवा, बी हेल्पफुल एंड होपफुल। ये अंतिम मुख्य पॉइंट है जो कि महाभारत में वर्णन आ रहा है। न जानपदिकं दुःखं एकशोचितं अर्हसि अशोचान् प्रति कुर्वीत यदि पश्येत् उपक्रमं। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, न जानपदिकं दुःखं एकशोचितं अर्हति
अशोचन प्रतिकुर्वित यदि पश्येत उपक्रमम्। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक नारद मुनि कह रहे हैं, व्हेन देयर इज अ कैलामिटी ऑन द एंटायर स्टेट, जब कोई विपत्ति पूरे साम्राज्य पर आ जाए, न जानपदिकम दुखम एक शोचितम अर्हति, नो सिंगल पर्सन शुड बी इन एंग्जाइटी। जब एक ऐसी विपत्ति आए जो पूरे विश्व पर हावी हो गई, एक शोचितम अर्हसी न एक शोचितम, नो सिंगल पर्सन शुड बी इन एंग्जाइटी। अरे इसका मतलब कुछ करें नहीं क्या, छोड़ दें, निराशावादी हो जाएं? बोले नहीं। अगले लाइन में कहते हैं, अशोचन प्रतिकुर्वित विदाउट एंग्जाइटी प्रतिकुर्वित एवरीवन शुड अटेम्प्ट टू यदि पश्येत उपक्रमम इंप्लीमेंट एन अवेलेबल सॉल्यूशन। तो जब ऐसी विपत्ति आए जो पूरे समाज पर पूरे विश्व पर हावी हो जाए, तो हर व्यक्ति को अपने चिंता को कुछ समय के लिए शमन करके चिंता मुक्त होकर केवल इस पर विचार करना है, मनन करना है कि कैसे सामूहिक रूप से हम लोग इस समस्या का समाधान ढूंढ सके। एवरीवन शुड अटेम्प्ट टू इंप्लीमेंट अ सॉल्यूशन अवेलेबल। तो आज के वर्तमान परिस्थिति में जो भी प्रोटोकॉल्स हो कोविड से बचने के लिए, वैक्सीनेशन हो या जो कुछ भी हो, पूरा समाज मिलकर जब इसके साथ जुटेगा वो करना है। तो इसलिए जब मैंने कहा शास्त्र में व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार की शिक्षाएं दी गई हैं, प्रैक्टिकल एंड ट्रांसेंडेंटल। फिर कहते हैं, बोलिए मेरे पीछे, प्रज्ञायमानसं दुःखं, प्रज्ञायमानसं दुःखं अन्यात् शारीरम औषधम्, अन्यात् शारीरम औषधम्। तो कहते हैं जो मानसम दुखम है, मेंटल डिस्टर्बेंस, मानसिक क्लेश, उसको कैसे दूर करें? प्रज्ञाय, इंटेलिजेंस, विवेक शक्ति से, बुद्धि का प्रयोग करके आप मानसिक क्लेश को दूर करो। दिन भर बैठ के घंटों घंटों पैंडेमिक कोरोना में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दिन भर देखते रहो, सारे चैनल को देखते रहो, सारा डेटा देखते रहो और सोचो रात को बहुत उदास लग रहा है, तो इसके पीछे कौन कारण है? तो प्रज्ञाय अर्थात यूज योर इंटेलिजेंस, थोड़ी विवेक शक्ति का प्रयोग करो, तब मानसम दुखम, मानसिक दुख से बच सकते हो। हन्यात् शारीरम औषधम, और शारीरिक दुख को दूर करने के लिए औषधम, दवाई लो, प्रैक्टिकल है। तो इतनी फिलॉसफी सुनने के बाद आपको लगेगा यार ये तो ऊपर ही ऊपर उड़ रहे हैं, ये शास्त्र कभी प्लेन को लैंड भी करते हैं क्या? कह रहे हैं भाई इतना सब फिलॉसफी को समझने के बाद फिर आप जो करना है जब उसको करोगे, तब चाहे कितने भी विपत्ति आए उसको आप झेल सकते, समझ रहे हैं? अर्थात फ्लाइट में जाना हो तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? टिकट खरीदना, बुकिंग करना, अपने एयरप्लेन्स का फ्लाइट जो पायलट्स का ट्रेन होना, ये सब ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तेल होना चाहिए फ्लाइट के अंदर। अगर फ्लाइट के अंदर तेल ही नहीं हो तो उठेगा ही नहीं, और पर्याप्त मात्रा में तेल ना हो तो ऊपर जाने के बाद फिर गिरेगा। तो इसीलिए बहुत बड़े कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले जब अर्जुन को लगा कि मेरा टंकी खाली हो गया, तब कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर सबसे पहले उनके अंदर ऊर्जा भरी, तब जाकर वो युद्ध कर पाए। तो बहुत बड़ा व्यवसाय था, लेकिन उससे अधिक व्यवसाय था व्यवसाय आत्मिका।
तो इसलिए हर दिन हर परिवार में चाहिए कि थोड़ा समय निकालें और प्रज्ञाय मानसम दुखम, अपने मानसिक क्लेश और दुख को दूर करने के लिए प्रज्ञा बुद्धि को, मस्तिष्क को गीता और भागवत के ज्ञान में सन्निहित करें। जब ऐसा करेंगे तब जाकर हम इन क्लेशों के विपत्तियों के महासागर से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, कोविड महामारी है, लेकिन इस महामारी में अगर हम पर्याप्त रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त न करें, संरक्षित न बनाए, तो हम बीमारियों से और विभिन्न प्रकार के संशयों से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने सत्संग हमें प्रदान किया है, जिस सत्संग में आकर हम लोग कथा कीर्तन करते हुए मानसिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। और फिर जो कोई भी डॉक्टर इत्यादि हमें उचित निर्देश करे कि कौन सी औषधि लें, किस प्रकार वो औषधि लें, किस प्रकार इस रोग से बचने के लिए उचित हम निर्णय लें और शारीरिक रूप से जो प्रतिबंध बनाए रखें, इन दोनों के समन्वय के साथ हम इस क्लेश के ऊपर अवश्य विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम सभी आचार्यों के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने घनघोर अंधकारमय परिवेश में भी इस ज्ञान के दीपक के माध्यम से स्पष्टता लाने का कितना प्रयत्न किया है। और जब हम इस ज्ञान के प्रति पूरी तरह अवलंबित होते हैं, तब इस ज्ञान का प्रभाव अपने हृदय में देखते हैं, तब हम इन महान आचार्य और ज्ञान के प्रति कृतज्ञ हो पाते हैं। तो आइए श्रील प्रभुपाद जी के प्रति और इन सभी आचार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, जिन्होंने ऐसे ज्ञान का दीपक हम सभी के लिए छोड़ दिया। ये एक ऐसी औषधि है जो हमारे हृदय के अंदर संशय और विभिन्न प्रकार के कुत्सित विचारों के रोग को दूर करे और हर परिस्थिति में हमारे हृदय को आशावादी बनाए रखे। श्रील प्रभुपाद की ताय गौर प्रेमानंदे। और पिछले एक वर्ष में पूरे विश्व भर में कितने ही लोगों ने कितने ही यातनाएं झेली हैं और इस परेशानी के घड़ी में कई डॉक्टरों ने और हेल्थ केयर वर्कर्स ने और कोविड वॉरियर्स काम करते रहे हैं, उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और विश्व भर में कई लोग अपने इस कोविड के साथ युद्ध करते करते अपने जीवन को संरक्षण नहीं दे पाए, प्राण त्याग दिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। और इस्कॉन के भी कई वैष्णवगण जो हमारे हृदय को बड़े प्रिय थे, उनका भी निधन हुआ, हम उनका भी स्मरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें। तो आज संध्याकालीन 5 बजे से 7 बजे के बीच यहाँ टेंपल हॉल में सभी इन वैष्णवों के स्मरण में, जो पिछले एक वर्ष के अंतर्गत जिनका निधन हुआ, उनके स्मरण में हम लोग भगवद गीता का पाठ रख रहे हैं। तो यहाँ पर कई भक्त लोग मिलकर संपूर्ण भगवद गीता प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक पढ़ेंगे और इस गीता के पाठ का फल हम इन सभी भक्तों के नाम पर समर्पित करेंगे। सभी से निवेदन है कि जो कोई भी अपने स्केड्यूल में समय निकाल के आ सके, इसमें सम्मिलित होइए और इस प्रार्थना सभा में भाग लीजिए। और इस्कॉन डिवोटी केयर की ओर से हम कई जो भक्त लोग जिनका निधन हुआ है, उनका हम यहाँ पर नाम एकत्रित करना आरंभ किए हैं और कुछ ही दिनों में सभी एक पोर्टल पर उसको हम अपलोड करेंगे। तो हम इन सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन सभी भक्तों का जो निधन हुआ उनका मैं नाम में पढ़ रहा हूँ। लीलावती देवी दासी आगरा से, गायत्री देवी दासी उज्जैन से, किरणमयी माताजी सूरत से, रविंद्र गोपाल प्रभु उज्जैन से, अन्नपूर्णा प्रभु रौरकेला से, धीर भक्त प्रभु सेंडवा से, राधेश्याम दुबे प्रभु उज्जैन से, वैष्णव चरण प्रभु तिरुपति से, शाजी प्रभु अंडमान और निकोबार से, नारायण प्रभु इंदौर से, संतोष कुमार प्रभु जबलपुर से, उमाशंकर प्रभु सागर से, सपना तोमार माताजी देहरादून से, रविंद्र प्रभु ग्वालियर से, रसिक कुमार प्रभु पुणे से, दामोदर प्रिया प्रभु पुणे से, धर्म मित्र प्रभु पुणे से, बाल गोविंद पांडे प्रभु पुणे से, श्यामंतक प्रभु पुणे से, अमोल केशव प्रभु पुणे से, नामदेव प्रभु पुणे से, भक्ति प्रीति देवी पुणे से, प्रीति भंडारी माताजी पुणे से, मोहन प्रभु पुणे से, दिव्य चरण प्रभु पुणे से, सेवा मूर्ति देवी पुणे से, ज्ञानेश्वरी देवी पुणे से, चित्रलेखा देवी पुणे से, पंचाली देवी पुणे से, प्रमोद प्रभु छिंदवाड़ा से, परम पूज्य भक्तिचारु स्वामी महाराज, यशोमती नंदन प्रभु, पंकजांगरी प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य अभिनंदन प्रभु मुंबई से, बन बिहारी प्रभु उड़ीसा से, वेणुकृष्ण प्रभु मुंबई से, बलदेव कृष्ण प्रभु सूरत से, किरणमयी देवी सूरत से, अनंतराम प्रभु सूरत से, अनंतराम मित्तल प्रभु सूरत से, सद्धर्म प्रभु वृंदावन से, राधा देवी माताजी वृंदावन से, जयानंद प्रभु वृंदावन से, जमुना भक्ति देवी वृंदावन से, तारा देवी माताजी वृंदावन से, वृंदावन बिहारी प्रभु वृंदावन से, ब्रजेंद्र नंदन प्रभु, ये कहाँ से है यहाँ नहीं लिखा हुआ है, समीर टिकले प्रभु नासिक से, अरविंद पागाने प्रभु नासिक से, प्रेम विलासिनी देवी नासिक से, अच्युत हरि प्रभु नासिक से। तो हम इन सभी भक्तों के लिए श्री राधा वृंदावन बिहारी, श्री मदन मोहन देव, श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री गिरिराज जी सबसे प्रार्थना करते हैं कि वो इन सभी को अपने चरणों में सनातन सेवा समर्पित करें और इन सभी के परिवारों के सदस्यों को इनके अचानक तात्कालिक निधन से जो सदमा उठा है उस सदमा को सहन करने की शक्ति दें, सामर्थ्य दें। और हम जो यहाँ पर अभी भी भक्ति के इस कार्य में लगे हुए हैं, हम सभी को वो सद्बुद्धि दें कि हम अपने हर क्षण का सदुपयोग कर सकें, हमारे लिए जो हर क्षण और हर श्वास जो उपलब्ध हुआ है उसका मूल्य हम समझ सकें और उसे हर क्षण प्रभु की सेवा में समर्पित कर सकें। सब लोग जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, नरसिंह देव भगवान की, ताय गौर प्रेमानंद।